देखिए, सभी जानते हैं कि भारत में उत्सव का सीजन शुरू हो चुका है। आज हरतालिका तीज का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो कल से गणपति उत्सव का रंग आपको देखने को मिलेगा। अब फिर से बप्पा के स्वागत की घड़ी आ गई है, यानी शनिवार को गणेश चतुर्थी है। कल से अगले 10 दिन तक चलने वाला गणपति उत्सव पूरे जोश के साथ यहां पर मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलेगा, जिसमें रोजाना बप्पा का श्रृंगार होगा, मोदक का भोग उन्हें लगेगा। अगले 10 दिनों तक गुड न्यूज टुडे पर जीएनटी उत्सव को भव्य अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। देश के अलग अलग शहरों से हम बप्पा के दिव्य दर्शन आपको करवाएंगे। इसके अलावा बात होगी आज हरतालिका तीज की, जो आज मनाई जा रही है। इस त्यौहार में महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की उपासना की जाती है। हरतालिका तीज पर महिलाएं अपनी सास को श्रृंगार का सामान देकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। आपके सामने हैं दो तस्वीरें जो बता रही हैं हमारी परंपरा कैसे उत्सव के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं गणपति। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इन्हीं के नाम के साथ होती है और उन्हें उनके माता पिता ने ये वरदान दिया है। गौरी पुत्र गणेश की महिमा अब परंपार मानी गई है। मुंबई में बप्पा का दिव्य पंडाल सजकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, भक्तों को उनकी पहली झलक भी दिखा दी गई है और भक्त बप्पा का अद्भुत श्रृंगार देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लालबाग के राजा के मुकुट की कीमत अकेले 16 करोड़ रुपए है। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में गणपति के जयकारे आजकल गूंज रहे हैं और अगले 10 दिन तक मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में इसी तरह की रौनक देखने को मिलती रहेगी। और गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई कल भव्य गणेश पंडाल सजते हुए वहां पर देखे जा सकते हैं। उनमें से एक है लाल बाग के राजा का पंडाल, जिनका दरबार पूरी तरह से सज चुका है। लाल बाग के राजा भी अपने पंडाल में स्थापित हो चुके हैं। हर साल गणेशोत्सव के इस खास मौके पर लाल बाग के राजा का आशीर्वाद लेने हजारों नहीं लाखों की संख्या में भक्त दूर दूर से आते हैं। इन भक्तों में फिल्मी सितारों से लेकर नेता, उद्योगपति से लेकर खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। राजाओं में राजा लाल बाग के राजा, अद्भुत, आकर्षक, आनंददायक। लाल बाग के राजा की शान निराली है। हर साल मुंबई पूरी आस्था और उल्लास के साथ अपने लाल बाग के राजा का स्वागत करती है। एक बार फिर मुंबई में लाल बाग के राजा का आगमन हुआ है। भले ही गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को शुरू हो रही है, लेकिन इस बार एक दिन पहले ही बाप्पा की झलक भक्तों के सामने आ गई है। हर साल की तरह इस साल भी बाप्पा का लुक एकदम यूनिक है। उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा बाप्पा के दरबार को सजाने के लिए मोर पंखों का भी प्रयोग किया गया है। यूं तो लालबाग के राजा की महिमा अपरंपार है। बाप्पा के इस दरबार में जो भक्त जाता है उसकी तमाम मुरादें पूरी होती हैं। बाप्पा का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। लेकिन इस साल लालबाग के राजा की स्थापना को 91 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में इस बार लालबाग के राजा के दरबार की रौनक भी अनूठी है और रंगत भी निराली है। गणेश उत्सव का त्यौहार 9 दिन तक चलता है। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानी शनिवार से शुरू होगा और 17 सितंबर को ये पर्व अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको बताते हैं क्यों अद्भुत है लाल बागचा राजा। लाल बागचा राजा का विराट वैभव उन्हें अद्भुत बनाता है। इस बार लाल बाग के राजा के मस्तक पे 16 करोड़ का मुकुट सजेगा। ये हम सभी जानते हैं कि लाल बागचा राजा को मन्नत के गणपति कहा जाता है।
देखिए कहते हैं लाल बाग चौराजा के दर्शन करने से जो भी मुराद अधूरी होती है वो पूरी हो जाती है और उनकी कहानी तो साल 1932 की घटना के साथ जुड़ी है। असल में 1932 में कुछ मछुआरों और दुकानदारों ने बप्पा से मन्नत मांगी थी और बप्पा ने उन सभी मछुआरों और दुकानदारों की मन्नत पूरी भी की थी। इसी के बाद से 1934 से लाल बाग चौराजा स्थापित किए जाते हैं। देखिए हर साल लाल बाग चौराजा को 20 से 25 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। गणपति उत्सव के दौरान लाल बाग चौराजा के दर्शन को भारी भीड़ देखने को मिलती है और 10वें दिन की अगर बात करें तो गिरगांव चौपाटी में गणपति की प्रतिमा विसर्जित कर दी जाती है। तो गणेश चतुर्थी का पर्व यूं तो देश के कई इलाकों में मनाया जाने लगा है लेकिन खास तौर पर ये मुंबई और पुणे में एक सामाजिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मुंबई में तो गणपति उत्सव की धूम देखते ही बनती है। क्या आम क्या खास, सभी इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। कल लाल बाग चौराजा की झलक दिखाई गई तो इसके साथ ही एक और मशहूर पंडाल अंधेरी के राजा की झलक भी आम श्रद्धालुओं को दिखाई गई। लाल बाग चौराजा की तरह अंधेरी के राजा का भी दरबार सजता है। इस बार जैसलमेर की पटवा हवेलियों की थीम पर बप्पा का पंडाल सजाया गया है। साथ ही देश भर में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों पर है। अहमदाबाद, मथुरा, कलबुर्गी समेत कई जगहों पर पंडाल सजाए जा रहे हैं। गणपति की मूर्तियों को पंडालों में स्थापित किया गया है। कई जगह गणपति की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है और इन मूर्तियों की डिमांड भी खूब है। अब देखिए लालबाग के राजा की तरह अंधेरी के राजा का दरबार भी सजता है। इस बार जैसलमेर की पटवा हवेलियों की थीम पर बप्पा का पंडाल सजा दिया गया है। इस पंडाल की पहली झलक जिसने भी देखी वो मंत्रमुग्ध हो गया। देखिए आप भी। पूरे एक साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से पधार रहे हैं बाप्पा। हर भक्त को जिस पल का इंतजार था वो पल अब आ चुका है। ऐसे में सभी बाप्पा का दिल खोल कर स्वागत करने में लगे हैं। ये तस्वीरें मुंबई में अंधेरी के राजा की हैं, जहां जाने माने पंडाल में से एक अंधेरी के राजा की पहली झलक लोगों के सामने आई है। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के अंधेरी के राजा में और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के जैसलमेर की हवेली का पूरा रूप दिया गया है। आपको बताया कि मुंबई के टॉप 10 गणेश उत्सव मंडलों में से ये भी एक मंडल है। अमीर मंडलों में इसकी गिनती होती है। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं और अब बप्पा का भी दर्शन आप कर सकते हैं। अंधेरी के राजा का दर्शन इस समय आप कर रहे हैं। भले ही आज 5 तारीख है लेकिन मुख्य दर्शन के लिए गणेश जी को सजा दजाकर लोगों के बीच इस तरह से रखा गया है। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति इस साल अपना 59वां गणेशोत्सव मना रही है। समिति ने इस साल बापा के पंडाल को जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवा हवेली की थीम पर सजाया है। पंडाल की सजावट ऐसी कि एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ऊपर से बापा की इस प्रतिमा ने पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए है। बहुत पुराने हवेली है तो हमें लगता है कि लोगों को, गणेश भक्तों को ये जो पटवा की हवेली जरूर पसंद आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शिवाजी की जो रायगढ़ है उसका किला बनाए थे, जहाँ पर शिवाजी महाराज का राजाभिषेक हुआ था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो हम जो भारत का अलग अलग कोने का जो संस्कृति है उसको यहाँ पर गणेशोत्सव में एक पूरा ढाकिया का रूप से लोगों के सामने लाते तो लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो अंधेरी का राजा का दर्शन का साथ ये बार एक जबरदस्त राजस्थान का कलाकृति यहाँ पर सामने आ जाएगा। भव्य पंडाल 110 फीट में फैला हुआ है, जहाँ 9 फीट ऊंची श्री अंधेरी का राजा की मूर्ति स्थापित की गई है। पंडाल में बापा का दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और बापा का आशीर्वाद लेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए 40 से अधिक CCTV कैमरा लगाए गए हैं। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में गणेश भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि समय से पहले ही गणपति बप्पा सभी को दर्शन देने जो पहुंच चुके हैं। ये पवित्र सुंदर नजारा है मुंबई शहर में स्थित वडाला GST गणेश उत्सव मंडल का, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु बप्पा की सिर्फ एक झलक देखने को खड़े रहे और जैसे ही गजानन का दीदार हुआ मानिए सारा का सारा माहौल भक्तिमय हो गया।
करीब 66 किलो सोना और 300 किलो अधिक चांदी से लदे हुए गणेश जी दिखाई दिए। गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंची इस भव्य उत्सव में, देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के जीएसबी गणेश उत्सव मंडल में। सबसे पहले तो आप गणपति बप्पा का दर्शन कर लें, उसके बाद बाकी की ज्यादा जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। देखिए आपको बता दें कि मुंबई का एकमात्र ये गणेश उत्सव मंडल है जो अमीर मंडलों के हिस्ट्री में शामिल होता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि सारे ही मंडल 9 दिन की गणपति स्थापित करते हैं, लेकिन एकमात्र मुंबई का ये मंडल है जो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की ही गणपति स्थापित करता है। इस मंडल की जो सबसे खास बात है कि देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि गणपति बप्पा का दर्शन कर सके। थोड़ी सी एक बार तस्वीर बप्पा की तरफ ले जाना चाहूंगा और कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि इस समय बप्पा को जिस रूप में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रियल लुक है इनका। जी हाँ, आपको बताएं कि लगभग 70 किलो सोना बप्पा के शरीर पर है, साथ ही साथ 300 किलो चांदी भी पप्पा के शरीर पर इस समय है और स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो है 7 तारीख को सार्वजनिक तौर पर ये गणेश उत्सव का जो मंडल है वो सभी लोगों के लिए दरबार खोल दिया जाएगा। एक बार जरा मेरी दाहिनी तरफ देखें, जहाँ तक भी नजारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लोग ही आपको यहाँ से वहाँ नजर आएंगे, श्रद्धालु नजर आएंगे, भक्त नजर आएंगे। तो 5 दिन के ये गणपति है और अब 11 सितंबर के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा देश धीरे धीरे गणेश उत्सव मंडल में पूरी तरह से शुमार हो गया है, पूरी तरह से छा गया है। और जिस तरीके से जीएसबी का फर्स्ट लुक देखने के लिए, पहली बार बप्पा को देखने के लिए इतनी भीड़, तमाम भीड़, सैकड़ों में भीड़ जुटी है। इस बार जो है बस ये मानकर चलिए कि त्योहार जो है गणेश उत्सव का बहुत ही शानदार जानदार तरीके से लोग मनाने वाले। एक खास बात ये भी है कि ये मंडल इस साल अपना 70वां साल मना रहा है, तो फिर रोजाना ही अब मुंबई में जो भी गली, नुक्कड़, सड़क और जहाँ जहाँ गणेश पंडाल बनाए गए हैं, गणेश मूर्तियाँ बिठाई गई हैं, हर जगह से आपको दर्शन कराएंगे। मेरे साथ आपको भी बोलना ही पड़ेगा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे। धर्मेंद्र ने बोल दिया है तो हम भी बोल देते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अहमदाबाद लिए चलते हैं। अहमदाबाद में राम मंदिर से लेकर पर्यावरण संरक्षण, ओलंपिक के थीम पर बनी बप्पा की मूर्तियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। कलाकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, देखिए उसी की तस्वीरें। एक बाप्पा और इतनी स्वरूप प्रतिमाएं ऐसी कि आंखें बस देखती रह जाएं। कहीं राजा बनकर अपनी प्रजा का ख्याल रख रहे हैं तो कहीं भगवान बनकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं मूसक पर सवार हैं तो कहीं चांद पर बैठे हैं। जो जिस रूप में बाप्पा की आराधना करना चाहता है वैसे ही बनकर बैठे हैं बाप्पा। तस्वीरें अहमदाबाद के मीठा खरी इलाके की है जहां बाप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पिछले 86 सालों से इसी तरह बाप्पा की प्रतिमा को आकार दिया जाता रहा है। पहले पिता बनाते थे, अब ये बनाते हैं विजय नायक। तो देखो, एक तो 12 फीट की मूर्ति मेरे दगड़ूशेठ हलवाई जो पुणे की प्रतिमा है वो यहां पर हमने बनाई है। उसके अलावा लालबाग का राजा जो बोलते है वो भी यहाँ पर 12 फीट में बनाई गई है। और उसके अलावा मतलब राम मंदिर थीम पर और भी कई अलग अलग थीम पर मूर्तियां बन रही है। और सिर्फ यही नहीं, इनका पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। करीब 8 दशक से बाप्पा की कस्टमाइज मूर्ति तैयार करने वाले विजय नायक के यहाँ इस बार राम मंदिर, ओलंपिक और पर्यावरण संरक्षण की थीम वाली मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। मई जून से ही बाप्पा की मूर्तियों की बुकिंग शुरू है। डिमांड देश ही नहीं विदेशों से भी है। किसी को मुंबई के लाल बाग के राजा चाहिए तो किसी को पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई।
हम लोग ना 5 साल से डगरू शेठ की ही मूर्ति बनवाते हैं और हम लोग ऐसे कस्टमाइजेशन कराते हैं, मतलब हम लोग खुद सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पीस हमको कहाँ पे सेट करना है, कैसे नहीं करना है। हम लोग 7 दिन के लिए रखते हैं हमारे घर पे और हमारे घर पे ही हम लोग विसर्जन करते हैं। इनके यहाँ छोटे गणपति से लेकर 12 फीट ऊंचे बाप्पा की मूर्ति को भी आकार दिया गया है और सबके सब इको फ्रेंडली, ताकि मूर्तियों का अच्छे से विसर्जन हो सके। बहरहाल बाप्पा तैयार हैं, बस 7 श्रृंगार बाकी है क्योंकि उनके शुभ आगमन की तारीख बस आने ही वाली है। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं कर्नाटक के कलबुर्गी में, जहां गणपति उत्सव के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाई गई। ये मूर्तियां ना केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है बल्कि देखने में भी बेहद सुंदर है, आकर्षक है। वैसे भी इन दिनों पर्यावरण को लेकर जागरूकता काफी बड़ी है, शहर शहर इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है, लोग भी इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया ये एक अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, गजानन को यूं ही बुद्धि का देवता नहीं कहा जाता है, लेकिन सनातन धर्म में गणपति एक अकेले ऐसे देव हैं जिनसे जुड़े प्रसंगों से लेकर उनके शरीर के हर अंग तक हर किसी में एक सबक छुपा हुआ है, जिंदगी को बदलने वाला एक पाठ छुपा है। बस जरूरत है उसे जानने और समझने की, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की और उतारने की। का सबक देती हैं। गौरी नंदन की ये सीख आपके भी बड़े काम आ सकती है। भगवान गणेश का सिर चाहे बहुत बड़ा हो लेकिन उनका मुंह छोटा सा है। गजानन का छोटा मुंह कम और नाप तोल कर बोलने की सीख देती गणपति का एक नाम है लंबोदर, यानी बड़े उदर वाला। भगवान लंबोदर का बड़ा पेट ये सीख देता है, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, सब कुछ अपने पेट में यानी अपने भीतर शांति से बचाएं। जय देव जय देव जय श्री गणराया। कहते हैं कि आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। गणपति का शीर्ष हाथी का है, लेकिन उन्होंने कभी खुद के आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वर्तमान में लोग बॉडी शेमिंग को लेकर कई बार परेशान हो उठते हैं। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो रंग रूप और काया दी है उसका सम्मान करना जरूरी है। लोगों की बातों को अनदेखा कर खुद पर फोकस करना जरूरी है। भगवान गणेश के ये। और देश में आज हरतालिका तीज बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज महिलाओं के अखंड सुहाग और सौभाग्य के पर्व का दिन है। आज हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है और माना यह जाता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और तमाम महिलाओं का कल्याण भी होता है। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। प्रयागराज में संगम पर आज के पावन मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने और साथ ही साथ स्नान ध्यान करने के लिए यहां पर बड़ी तादाद में उमड़ते हैं। वाराणसी में भी हरतालिका उत्सव की रौनक देखी जा सकती है। महिलाएं आज के दिन खरीदारी करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाकर सच संवरती हैं। और वहीं काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में इस मौके पर पूजा के लिए पहुंची तमाम महिलाओं का उत्साह भी यहां पर देखते ही बन रहा है। उज्जैन में महाकाल के धाम में भी हरतालिका तीज की रौनक दिखी। महाकाल मंदिर में भगवान का अर्धनारीश्वर रूप में श्रृंगार किया गया है, आधा स्वरूप शिव और आधा स्वरूप शक्ति यानी माता पार्वती। अर्धनारीश्वर रूप में महाकाल का भव्य श्रृंगार हुआ और बड़ी संख्या में भक्तों ने इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। बाद में महाकाल की भव्य आरती हुई। भस्म आरती में महाकाल के दरबार की रौनक देखने लायक थी। का त्रिज है और आज महादेव महाकाल का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है शिव शक्ति का, और बहुत अच्छा लगा है अर्धनारी शक्ति का। हम यही कामना करते कि सबको सुख शांति दे, सबका मंगल हो।
और बहुत अच्छा लगा आज इनका दर्शन करके हमको माँ कालेश्वर। 12 बजे से कंटिन्यूसली लाइन में लग के अभी आए हैं यहाँ पर, और आज हमारा हरतालिका तीज का व्रत है, मैं और मेरी बहन दोनों लोगों का, मेरी बड़ी बहन है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, मन प्रसन्न हो गया, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए सच में। हर हर महादेव। श्री राम की नगरी अयोध्या में हरतालिका तीज के इस मौके पर रौनक देखी जा सकती है। सुबह से महिलाएं सज संवर कर मंदिरों का रुख कर रही हैं। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर और क्षीर सागर मंदिर की बड़ी मान्यता है। इन मंदिरों में खास तौर पर सुहागिनें पूजा पाठ करने उमड़ती हैं, महादेव को जलाभिषेक कर और पूजा अर्चना कर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इस मंदिर की तस्वीरें जहां पर हरतालिका तीज का उल्लास देखते ही बनता है। बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंचती हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। सुहागिनें यहां पर पूजा पाठ करने के लिए बड़ी तादाद में आती हैं। महादेव का जलाभिषेक किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और मान्यता है कि यहां पर पहुंचकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना भी तमाम महिलाएं करती हैं। हम लोग आज अपना त्यौहार भी मना रहे हैं तीज का, समझिए कि बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं। यही जो श्रृंगार का सम्मान होता है, गौरी पूजन होता है जी। हम लोग अपना जोड़ा बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से, भोलेनाथ से, यही होता है। तीज के त्यौहार की बड़ी मान्यता है, उसके लिए तीज का व्रत रखते हैं, और शंकर जी सबको आशीर्वाद, शंकर पार्वती जी सबको आशीर्वाद देती हैं, स्नान करके जल चढ़ा के उनसे आशीर्वाद ग्रहण। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। काशी के बाद अयोध्या धाम भी तमिलनाडु से जुड़ गया है। अयोध्या में राम सेवक पुरम में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सीएम योगी ने शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेक और जीर्णोद्धार समारोह में सीएम ने शिरकत की, और इस बीच सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों साल पहले श्री राम श्रीलंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे, तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहां आज ये रामेश्वरम स्थापित हुआ है। अयोध्या में इस मंदिर के बारे में काफी मान्यता है, और अब अयोध्या और तमिलनाडु के रिश्ते के बारे में भी आज सीएम योगी ने बातचीत की और इसके अहम होने की बात कही और बताया क्यों ये खास है। राइट में बीती रात फिर भेड़िये ने हमला किया। 10 साल के मासूम को पंजा मार कर भेड़िया भाग गया। गांव वालों के अलर्ट रहने की वजह से बच्चे की जान बच गई। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ था। बहराइच में आदमखोर भेड़िये पर काबू पाने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगातार काम में लगी हुई हैं। रात दिन टीमें अलर्ट मोड पर हैं। निशानेबाजों की फौज बहराइच में खड़ी कर दी गई है। हालांकि वन विभाग की टीम एक गांव में तलाशी करती है तो भेड़िया दूसरे गांव में हमला कर देता है, लेकिन इन भेड़ियों पर काबू पाने के लिए नाइट विजन ड्रोन कैमरा के साथ तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का खौफ पसरा हुआ है। बहराइच जिले के 35 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। हर दिन किसी न किसी पर हमले की खबर सामने आ रही है। दबे पांव ये भेड़िये गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को चौकन्ना रहने की सलाह दी। कल जिस जगह पे 10 साल के बच्चे पे भेड़िये के हमले की खबर सामने आई है, उस ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। भेड़िया का कहर बहराइच में जारी है, और एक बार फिर बच्चे को भेड़िये ने टारगेट किया और 10 वर्षीय संगम को भेड़िये ने काटा है। आप तस्वीरें देखें, हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां यह हमला हुआ है। ये लोधनपुरवा गांव है, यहीं पर बच्चा सो रहा था इस चारपाई पर और बीच में वॉशरूम के लिए उठा और उसी वक्त ये हमला हुआ है। ये चारपाई आप देख रहे हैं, यहीं पर वो बच्चा मौजूद था और यहां पर वो सो रहा था। रात का लगभग 9 बजे का समय होता है, उसको वॉशरूम लगता है और वो यहाँ से वॉशरूम करने निकलता है, और जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं सामने, फिर वो सामने बने इस हैंडपंप के पास आता है और पानी से हाथ धोता है, यहाँ से पानी पीता है, उसके बाद हमला होता है। उनकी बहन है, वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। आगे आइए, अब बताइए क्या हुआ, कैसे शुरुआत। जैसे अब दादी का बुलाया, खाना खाती तो दादी कहीं चलो हाँ चले थे, तो भैया वो फिर पानी पी के उत्ती गो जिसे डेवड़ी पापा और रखी से, तैसे वो ऐसे से पता नहीं कैसे आवा बहू का पकड़ के पटक ली, फिर हम दौड़ते गए। भेड़िया कहाँ से आया?
भेड़िया इधर से आया रहा जंगल में से। जंगल सामने दिखा दिया तस्वीर, ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए इस घर के ठीक सामने क्या है, एक घना जंगल है और गांव वालों का दावा है कि इस घने जंगल से भेड़िया इनके घर में दाखिल होता है। भैया यहाँ पर इसे डौड़ी पे इसे पाँव रख के जा रहा था, मतलब पानी पीने और भरने के बाद यहाँ से अंदर जा रहा था। हाँ, हम फिर दादी का लेके आए थे, बस वो भेड़िया हुआ भैया कहीं इसे पकड़ के और नट्टी के पकड़ी से इसे यहाँ पे इसे तो यू जिसे रखो निचलोर घाव ज्यादा हुई गया है और ये है तो इतनी पर दांत घुस गया, घाटी बच गया वरना उसकी जान भी जा सकती रहा, जान भी चली जाती। तो हम फिर खूब रोए चिल्लाने, खूब चिल्लाने, तब मम्मी मम्मी सबको घर से बाहर निकले, पप्पा पप्पा सब पूरा मतलब गांव पूरा मौजा आएगा हमारे सामने। तो ये बताइए आप जो है, आप थी यहाँ पे, आपने उसको आते हुए देखा था? आते हुए देखा था। हाँ, भागते हुए ऐसा दिख रहा था वो का, हम रेखो का भैया का नोचते देखा था। नोचते देखा आपने? हाँ, नोचते देखा था, उसके ऊपर इसे चढ़ा था वो, जिसे मनाई है तो इसे बराबर खड़े हैं इंसान की तरह। हाँ, इंसान के चढ़ा, जिसे हम कईम में लगा कि जिसे वो पैर धर के टांग बहे तब के नटई पकड़ी शुरुआत की। इसके सिलाय भैया हमारा 12 साल का है, इतना बड़ा है। हाइट है भैया की आपके? हाइट दिखा, हाइट बताइए कितना, हाइट कितना है, हाथ से दिखाइए। इतना है हाइट, हाँ हमारे बराबर। भेड़िया इतना बड़ा सा वो खड़ा था तो उसके मुड़ मतलब उसकी भैया क्यों ऊंचे सा। और दिखने में कैसा था? दिखने में तो वो भेड़िया लगा था मगर काला था, जिसे अंधेर था तो काला लगा था। कोनो लाइट बत्ती तो यहाँ पे है ना अंगना में है। उसके खौरियाने की आवाज आई थी? हाँ, खौरियाने की आवाज आई थी और वो फिर रखू का पकड़ की काटी, फिर वो चला गया, यहाँ गिर गया, फिर यहाँ पे गिर गया। तो हम का थामे खो रोए चिल्लान, तो सब लोग भैया भैया आए, सबको लेट वेट जलाए के देखिन, फिर देखिन यहाँ पे घाव और यहाँ पे घाव, तब फिर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाए। चारों तरफ की तस्वीरें से दिखाई है, इससे आपको समझा सके कि सीन हुआ क्या उस वक्त, जिस वक्त भेड़िया आया, भेड़िया गया, हमला कहाँ किया और कहाँ से उसको जंगल सामने लाइट्स लगी हैं लेकिन जल नहीं रही हैं, गांव वालों का दावा है। और यहीं पर वो 10 वर्षीय बच्चे को पहले गले पे और फिर गाल पे इस तरह से हमला करता है और इंसान की तरह से वो अटैक करता है, जैसे कि पुराने केसेस में घाव देखे गए हैं। अब देखना ये है, गांव वाले कह रहे हैं कि वो भेड़िया है, कुछ गांव वाले कह रहे हैं वो कुत्ता है। अब कहानी यह है कि दहशत भेड़िया की इस कदर है कि कहीं भी हमले हो रहे हैं उसको भी भेड़िया ही समझा जा रहा है, या असल में अगर वो भेड़िया है तो शायद वन विभाग को कार्रवाई तेज करने की जरूरत है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच। और चलिए बात तो उस बच्ची की जिसकी उम्र महज 5 साल की है, लेकिन वो गिद्धा गर्ल के नाम से जानी जाती है। फरीदकोट की समायरा ने छोटी सी उम्र में पंजाब का नाम रोशन कर दिया है। वो कई गिद्धा प्रतियोगिताओं में ना सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि कई प्रतियोगिताओं को पछाड़ा भी। इतना ही नहीं, वो अयोध्या में हुए नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट चैंपियनशिप 2024 में ट्रॉफी भी अपने नाम कर चुकी है। गिद्धा में इसका कोई सानी नहीं, पंजाबी बोलियां गाने में भी गजब की मिठास। इस मासूम का टैलेंट तो आपने देख ही लिया, अब जरा इसका परिचय भी जान लीजिए। उम्र है महज 5 साल और नाम है समायरा। पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली ये नन्ही समायरा जिस उम्र में है उस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। उस छोटी सी उम्र में समायरा पंजाब का मान बढ़ा रही है, भांगड़ा बोलियां और गिद्धा में महारत हासिल कर रही है। समायरा उम्र में जितनी छोटी है इनका हुनर और उपलब्धियां उतनी ही बड़ी है। समायरा ने अयोध्या में हुए नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट चैंपियनशिप 2024 में पंजाबी कल्चर गिद्धा और बोलियां में ट्रॉफी और सम्मान पत्र हासिल किया है। नन्ही समायरा की विनिंग ट्रॉफी उनसे भी ऊंचे कद की है। जी हाँ, नन्ही गुड़िया महज 5 साल की है और इनकी ये जीती गई ट्रॉफी 5 फुट ऊंची है, जिसे बिना मदद पकड़ना भी समायरा के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही समायरा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए नेपाल जाने वाली है। मेरी गुड़िया का नाम समायरा है, वो 5 साल की है। उसने मुझे जैसे जैसे मुझे उसके पैशन का पता लगा कि वो गिद्धे को फॉलो करती है, फिर वैसे वैसे हम उसको स्टेजेस पे लेके जाते गए, वैसे वैसे उसका मतलब कि उसकी डिमांड बढ़ती गई, सभी ने इसके मतलब आने वाले इवेंट्स के बारे में सभी टीचर्स बताते गए, वैसे वैसे वे इवेंट में जा रही है। पहले इसने डिस्ट्रिक्ट किया, फिर स्टेट लेवल पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये सेकंड आई है, फिर उसके बाद इसने नेशनल में किया। नेशनल में जैसे 8 साल तक के बच्चों का कंपटीशन था, सभी स्टेट्स में अपने अपने फोक को रिप्रेजेंट किए, उसमें से ये पंजाब को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट आई है। अब इसकी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो चुकी है।
समायरा को पंजाबी कल्चर और पंजाबी पहनावे से बहुत लगाव है। पंजाबी पोशाक और तिलदार चुन्नी में सजी धजी नन्ही समायरा पंजाबी जटनी से कम नहीं लगती है। समायरा को पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है। वो स्कूल भी जाती है और समय निकालकर अपना शौक भी पूरा करती है। समायरा के माता पिता की भी पूरी कोशिश रहती है कि वो अपनी नन्ही परी की हर इच्छा पूरी कर सके और उसके मुताबिक उसके शौक को पूरा कर सके। हालांकि समायरा की माँ का सपना अपनी बेटी को जज बनाने का है। वो चाहती है कि समायरा अच्छी शिक्षा लेकर एक जानी मानी जज बने। देखो, पंजाबी कल्चर को प्रमोट करना वो हमारा मन है कि ये पंजाबी कल्चर को प्रमोट करे, साइड बाय साइड करे पंजाबी कल्चर को प्रमोट। जैसे स्टडी एजुकेशन की बात करें तो मुझे ऐसे है कि ये फोरेन कंट्री में जाके जज की पोस्ट पे बैठे, बस मैं उसे ऐसे देखना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी, मुझे अपनी बेटी को पूरा फख्र है। देखो बेटियां तो है ना, जैसे कहते हैं भगवान का रूप होती है, इसकी वजह से आज मैंने इतनी स्टेजेस पे जा चुकी हूँ। पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्टेज पे कभी खड़ी भी होंगी। समायरा ने इस छोटी उम्र में ये साबित कर दिया है कि कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। पंजाब के जिला फरीदकोट की बेबी डॉल समायरा ने महज 5 साल की उम्र में जो सम्मान कमाया है वो सच में तारीफ के काबिल है। फरीदकोट से प्रेम कुमार, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे हुए विचार। अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो, ये कहा है नेल्सन मंडेला ने। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए मुलाकात होगी अब आप सभी के साथ सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए जेएनके।